देश को इस साल की अपनी मिस इंडिया मिल गई है। कर्नाटक की सिनी सेट्टी ने मिस इंडिया का खूबसूरत ताज अपने नाम कर लिया है। 31 फाइनलिस्ट को मात देकर उन्होंने ये अद्भुत मुकाम हासिल किया है। वहीं राजस्थान की रुबल शेखावत फर्स्ट रनर बनी है और उत्तर प्रदेश की शिनाता चौहान को सेकंड रनर अप घोषित कर दिया गया है। हर बार की तरह इस बार भी मिस इंडिया की ये प्रतियोगिता काफी कड़ी और मजेदार रही। मुकाबला इतना कड़ा था कि 6 जजों के पैनल ने तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक विजेता को चुना। इस बार जजों के पैनल पर मलाइका अरोड़ा, नेहा धूपिया, डीनो मोरिया, राहुल खन्ना, रोहित गांधी और शामक दाबर शामिल रहे। इसके अलावा कई दूसरे बॉलीवुड हस्तियों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। कृति सेनन से लेकर कई दूसरी अभिनेत्रियों ने रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरा। नेहा धूपिया के लिए ये मौका इसलिए ज्यादा खास बन गया क्योंकि उन्हें भी मिस इंडिया का ताज जीते हुए 20 साल हो गए। ऐसे में उनकी उस सफलता को भी कार्यक्रम के दौरान सेलिब्रेट किया गया। इस बार का मिस इंडिया फिनाले मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। बड़े स्तर पर आयोजित हुए इस प्रोग्राम में सभी कंटेस्टेंट ने अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने हाजिर जवाब अंदाज से लोगों का दिल जीता। लेकिन इस रेस में सबसे आगे सिनी शेट्टी रही, जिन्हें इस साल का मिस इंडिया घोषित कर दिया गया। सिनी शेट्टी को लेकर बताया जा रहा है कि वो अभी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस का कोर्स कर रही हैं, यानी कि CFA। उन्हें डांस करने का भी काफी शौक है और उन्होंने भरतनाट्यम सीख रखा है। उन्होंने 4 साल की उम्र से ही डांस करना शुरू कर दिया था। 14 साल की उम्र तक तो उन्होंने कई स्टेज पर परफॉर्म भी किया। वैसे शेट्टी कर्नाटक की रहने वाली जरूर है, लेकिन उनका जन्म माया नगरी मुंबई में हुआ है।